और प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सब ठीक ठाक? गुड। तो आज हम एक मैथ्स एक्टिविटी करेंगे। आई होप आप सब रेडी हैं। तो आज की जो मैथ्स एक्टिविटी है वो हम एक ऑनलाइन एप्लेट के ऊपर करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप भी साथ साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से कुछ डिजाइन्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैंड से एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और ये चेक करेंगे कि इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, दो डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 यूनिट्स हैं। इस तरीके से हमने एक और बैंड लिया और अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 9 यूनिट्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न क्या है, हमने सबसे लास्ट पॉइंट जो वर्टिकल लाइन पे है उसको ज्वाइन किया पहले पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब सेकंड लास्ट पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे दूसरे पॉइंट से। तो इस तरीके से एक एक करके पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ज्वाइन करते जाएंगे बैंड्स की मदद से। तो आप देखो, ये जब हम एक बैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो मैथमेटिकली स्ट्रेच्ड बैंड जो है वो एक लाइन सेगमेंट की तरह होता है। तो आप देखो, इसको मैंने स्ट्रेच करके ऐसे किया और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है आपको पता ही है वो हमेशा फिक्स्ड होती है और उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो एंड पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं और इसकी लेंथ भी फिक्स्ड है। और हमने एक पैटर्न से इन्हें यहां पर ज्वाइन करना शुरू किया। अब क्या नोटिस कर रहे हो आप, देखो क्या बन गया, एक तो सुंदर सा डिजाइन बन गया और हमने एक और ऑब्जर्वेशन भी देखी। यहां क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि लाइन सेगमेंट्स की मदद से एक कर्व भी बन रहा है। तो कभी सोचा है कि अगर हमें कर्व बनाना है तो उसके लिए हम लाइन सेगमेंट्स यूज करेंगे, नहीं सोचा ना? देखो, लेकिन ये देखो करने पे ये ऐसा नजर आता है। तो आप अपनी कॉपी पे भी डॉट्स लगाकर और रूलर और पेंसिल से ऐसे इसी पैटर्न पे ही ज्वाइन करते हुए ऐसा डिजाइन बना सकते हैं। चलो अब क्या करते हैं हम, या जैसे हमने एक राइट एंगल नीचे लिया था ऐसे ही हम यहां पर एक और राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल क्या होता है बताओ, राइट एंगल क्या होता है? बिल्कुल ठीक, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। और वैसे भी देखो, दो लाइन सेगमेंट्स हैं, दोनों हमने परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिए, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये राइट एंगल है। ओके, तो अब जैसे हमने डिजाइन बनाने के लिए यहां पर एक पैटर्न का को हमने लगाया था, वैसे ही अब हम दूसरी साइड पे बनाएंगे। तो अब हमने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट को दूसरी वाली लाइन पे लास्ट पॉइंट के साथ जोड़ा, ऐसे ही सेकंड पॉइंट को सेकंड लास्ट के साथ, और एक-एक करके इसे जोड़ते गए। तो आप देखो, आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी जब आप ऐसी एक्टिविटीज करते हो ना, तो आपका ध्यान जरा सा हटा तो डिजाइन बिगड़ जाएगा। तो वी नीड टू फॉलो द पैटर्न, और उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ध्यान से देखो, एक एक करके ज्वाइन करते जाओ। आई होप मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की, वो डिजाइन बनेगा तो पता चल जाएगा। नहीं, थैंक गॉड, बिल्कुल ठीक बनाया है, वेरी नाइस। देखो बन गया। तो अगर मुझे ऐसे लीफ टाइप बनाना है तो मेरे को इमेजिनेशन होगी कि अच्छा, तो उसके लिए मुझे
ये इस तरीके से जॉइनिंग करनी है, ठीक है? तो अब आप अपनी मर्जी से जो आपको लगता है, आप कोई लाइन डिजाइन सोचो, बनाओ, एंड देन यू शेयर दैट विद मी। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी।